हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ तीन रिफ्रेशिंग लस्सी बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। लस्सी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ताज़ा दही। ये दही मैंने घर पर जमाया है, आप देख सकते हैं एकदम फ्रेश और काफ़ी थिक जमा है। लस्सी बनाने के लिए दही एकदम ताज़ा होना चाहिए, जिससे कि लस्सी का जो टेस्ट है वो और बढ़िया हो जाएगा। सबसे पहले हम एक कप मेजर करेंगे दही को और दही ले लेंगे हम। दही एक बर्तन में डालेंगे, क्योंकि मैं इसको मथानी से मथकर लस्सी तैयार कर रही हूँ। इस तरह से मथने से जो दही है वो बहुत अच्छी तरह से फिट जाएगा और लस्सी का एक बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप इसकी जगह इलेक्ट्रिक बीटर भी यूज कर सकते हैं। और अब यहाँ मैं आपको कुछ ट्रिक बताना चाहूंगी। यदि आपको लगे कि दही ताज़ा है लेकिन उसके बाद भी वो थोड़ा खट्टा है, तो उसमें आप थोड़ा सा चिल्ड दूध ऐड करें। और अगर दही एकदम ताज़ा है तो उसमें आप थोड़ा सा चिल्ड पानी ऐड करेंगे और उसको आप दोबारा से अच्छी तरह से मथ लेंगे। यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी ली है और चुटकी भर मैं इसमें इलायची पाउडर डाल रही हूँ, इससे इसका टेस्ट अच्छा आएगा। और इसको हम दोबारा से चौंड करेंगे, अच्छी तरह इसको हम फेंट लेंगे। ऐसा करने से दही चीनी सब मिक्स हो जाएगा और लस्सी जो हमारी बनकर तैयार होगी वो बहुत ही टेस्टफुल होगी। ये देखिए, इसको मैंने बढ़िया तरह से मथ लिया है और ये आप देख सकते हैं ऊपर सरफेस पर इसके फ्रॉथ भी आ गया है, यानी यहाँ ये लस्सी बनकर तैयार हो गई है। पोर करने से पहले हम ग्लास में आइस क्यूब ऐड करेंगे। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि यदि आप लस्सी को रेफ्रिजरेट कर रहे हैं, यानी फ्रिज में रख रहे हैं, तो आप आइस क्यूब ऐड ना करें, वो बस सर्व करने से पहले आपको डालना है। ऊपर से 1 चम्मच एकदम ताजा जमा हुआ मलाई इसके ऊपर हम रख लेंगे और इसको गार्निश करेंगे हम छोटे छोटे टुकड़ों के बादाम से और ऊपर से हल्का सा इलायची पाउडर। और ये देखिए, मैंने कुछ स्ट्रैंड केसर के लिए हैं, इसको भी हम ऊपर से डाल देंगे। और ये पंजाबी क्लासिक लस्सी बनकर हमारी तैयार हो गई है। गर्मियों के लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, इसको आप जरूर ट्राई करें। अब मैं दूसरी लस्सी बनाना शुरू करती हूँ, उसके लिए यही है, सबसे पहले हमें एकदम ताजा जमा हुआ दही लेना है। अगर आपको लगे कि दही में थोड़ा बहुत पानी है तो उसको आप एक छलनी पर रख सकते हैं, जिससे जो दही का पानी है वो एक्स्ट्रा हट जाए। 1 कप मैंने ताजा जमा हुआ दही लिया है। इसमें हम 1 बड़ा चम्मच पिसी हुई चीनी और साथ ही 1 बड़ा चम्मच रोज सिरप डालेंगे, क्योंकि मैं ये शाही गुलाब लस्सी बना रही हूँ। रोज सिरप खुद ही मीठा होता है, इसलिए हम चीनी 1 चम्मच इसमें ऐड करेंगे। और अब इसको हम इसी तरह मथानी से अच्छी तरह मथते हुए चर्न करेंगे। बढ़िया, इसको एकदम सभी को हम आपस में अच्छी तरह से इसको मथ लेंगे। और इस तरह से देखिए, ये मैंने गुलाब लस्सी बनाने की तैयारी कर ली है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, रोज सिरप इसके अंदर हमने डाला है, गर्मियों के लिए भी बेस्ट है। और इसको पोर करने से पहले हम ग्लास को हल्के से रोज सिरप से गार्निश करेंगे। 1-2 क्यूब्स इसके अंदर हम आइस के डालेंगे और सर्व करने के लिए गुलाब लस्सी बनकर तैयार हो गई है। काफी रिफ्रेशिंग है, गर्मियों के लिए बहुत बेहतरीन है। हल्का सा ऊपर से हम रोज सिरप लगा देंगे। और लास्ट इंग्रेडिएंट जो मैंने लिया है वो है रोज पेटल्स। ये ड्राइड रोज पेटल हैं, इसको हम हल्का सा क्रश करेंगे और ऊपर से इसके डाल देंगे। और ये देखिए, शाही गुलाब लस्सी बनकर तैयार हो गई है, इसको आप जरूर ट्राई करें। और अब तीसरी लस्सी मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ वो है मैंगो लस्सी। मैंगो लस्सी भी बनाना काफी आसान है। इसके लिए मैंने एक पका हुआ आम लिया है, आम के हमें पीसेस करने हैं पहले। इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और इसके पीस हम अलग कर लेंगे। आम लस्सी को मैं ब्लेंड करके बनाऊंगी, क्योंकि जो आम के हमने पीस किए हैं ये मिक्सर में ही अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएंगे। एक मिक्सर जार में हम आम के पीस डालेंगे
दो बड़े चम्मच चीनी डालेंगे और इसमें हम इलायची पाउडर डालेंगे, इससे बहुत अच्छा खुशबू आता है इसके अंदर। एक कप थिक दही लिया है और इसमें कुछ क्यूब्स मैं यहाँ आइस के ऐड कर दूंगी, जिससे ये ब्लेंड होने में जो पीस हम इसके आम के डाल रहे हैं वो अच्छी तरह ब्लेंड हो जाएंगे। बढ़िया तरह मिक्स करेंगे और ये देखिए कितनी अच्छी एकदम से थिक मैंगो लस्सी बनकर तैयार हो गई है। सर्व करने से पहले आइस के क्यूब्स ग्लास में डालेंगे और ऊपर से हम मैंगो लस्सी को पोर करेंगे। इसको गार्निश करने के लिए मैंने एक दो छोटे पीस आम के ही रखे हैं, ये हम ऊपर से रख लेंगे। और मैंगो लस्सी के साथ गार्निशिंग करने के लिए पिस्ता एकदम बेस्ट रहता है। ऊपर से कुछ हम कटे हुए पिस्ता के टुकड़ा डालेंगे और ये देखिए बढ़िया मैंगो लस्सी बनकर तैयार हो गई है। ये मैंने आपके साथ मैंगो लस्सी, क्लासिक पंजाबी लस्सी और ये शाही गुलाब लस्सी शेयर की हैं। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें और इस गर्मियों में इन लस्सी से आप मजेदार स्वाद लें। तीनों ही लस्सियां बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया टेस्ट की बनी है, आप इसको झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट पर भी जुड़ सकते हैं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक दीजिए और आपकी जो भी क्वेरीज हैं मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।